दिल्ली में मेयर चुनाव के सियासी घमासान के बीच आई बड़ी अपडेट। मनीष सिसोदिया ने एलजी को भेजा प्रस्ताव। जी हाँ, आपको बता दें कि मेयर चुनाव जो 6 जनवरी को रखा गया था, उसके शुरुआत होते ही आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के पार्षद आपस में ही भिड़ गए, जिससे चुनाव को आगे के लिए टाल दिया गया। उसके बाद लगातार आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दोनों के तरफ से एक दूसरे के ऊपर धांधली का आरोप लगाया गया। आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को एलजी के साथ मिलकर दिल्ली मेयर चुनाव में असंवैधानिक तरीके से मेयर बनाने की कोशिश करने का आरोप लगाया, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी के पार्षदों के ऊपर महिलाओं के साथ मारपीट का आरोप लगाया। इन सब चक्कर में मेयर चुनाव और खींचता जा रहा है। इसी को मद्देनजर रखते हुए मनीष सिसोदिया ने आज ट्वीट किया। मनीष सिसोदिया ने ट्वीट कर लिखा, दिल्ली में मेयर चुनाव 18, 20, 21 अथवा 24 जनवरी को करवाने के लिए एलजी साहब के पास प्रस्ताव भेजा है। उनसे अनुरोध है कि एमसीडी पिछले 8 महीने से बिना मेयर का काम कर रहा है, इसलिए और देर करना ठीक नहीं है। एमसीडी अधिकारियों ने 30 जनवरी को बैठक का प्रस्ताव दिल्ली सरकार को भेजा था। मनीष सिसोदिया के इस ट्वीट से साफ झलक रहा है कि आम आदमी पार्टी जल्द से जल्द मेयर चुनाव करवाने को राजी है। आम आदमी पार्टी चाहती है कि जल्द से जल्द दिल्ली का मेयर चुनकर आए और अपने कामकाज को संभाले। इस खबर के बारे में आप क्या सोचते और समझते हैं, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। न्यूज रूम से अमन बर्डियार की रिपोर्ट।